यूं तो एमएस पेंट में ड्राइंग बनाना, कलर करना, शेप इंसर्ट करना, टेक्स्ट टाइप करना आम बात है, लगभग सबको आता होगा। बट आज हम एमएस पेंट में 6 नए टॉपिक के बारे में सीखेंगे, जिससे हमारी ड्राइंग और भी खूबसूरत और अट्रैक्टिव दिखेगी। हाय, मैं अजीत भारद्वाज, लर्न क्रिएटिव चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम सीखने वाले हैं एमएस पेंट में ऐसे 6 अनोखे टॉपिक जिससे आप एमएस पेंट के एक्सपर्ट बन जाएंगे, फिर एमएस पेंट में कुछ और सीखने की जरूरत नहीं है। सो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। टॉपिक 1, एमएस पेंट में स्माइली स्नैक बनाना। एमएस पेंट में स्माइली स्नेक बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक स्माइली फेस बनाना होगा। सो चलिए हम फटाफट एक स्माइली फेस बना लेते हैं। स्माइली फेस बना लेने के बाद सबसे पहले सेलेक्ट ऑप्शन में जाकर ट्रांसपेरेंट सेलेक्शन को ऑन कर लेना है, यानी टिक मार्क लगा लेना है। फिर रेक्टेंगुलर सेलेक्शन को सेलेक्ट करके आप अपने ड्राइंग को सेलेक्ट कर लें। फिर कीबोर्ड में से शिफ्ट बटन के साथ माउस का लेफ्ट क्लिक दबाकर आप पेज पे इस तरीके से डैंग करें, आपका स्नैक बन के तैयार हो जाएगा। टॉपिक 2, एमएस पेंट में टेक्स्ट को ग्रेडियंट कलर करना। एमएस पेंट में टेक्स्ट टाइप करना, उसका कलर चेंज करना, ये हर किसी को आता होगा, बहुत नॉर्मल सी बात है। बट अगर टेक्स्ट का ग्रेडियंट कलर बनाना हो तो उसके लिए हमें कुछ स्टेप ध्यान देने होंगे। सबसे पहले सेलेक्ट ऑप्शन में से ट्रांसपेरेंट सेलेक्शन को ऑन कर लेंगे। फिर रेक्टेंगल सेलेक्शन से जितने हिस्से में आपको कलर अलग चाहिए उतने हिस्से को सेलेक्ट करके आप कॉपी कर लें और फिर पेस्ट कर लें। देन आप देख सकते हैं आपके सामने इस तरीके का ये कॉपी वाला हिस्सा आ गया है। अब आप फिल विद कलर सेलेक्ट कर लें, जो कलर आप फिल करना चाहते हैं उस कलर को सेलेक्ट कर लें, आप इसमें कलर को फिल कर दें। फिर वापस इसे सेलेक्ट करके इसके ऊपर इसे सही से फिट कर ले, एडजस्ट कर दे इस तरह से। देन दोबारा आपको इस वाले हिस्से में दूसरा कलर करना है तो इसकी भी कॉपी करके आप दूसरी जगह पेस्ट कर ले और वापस फिल विद कलर लेकर जो भी इसमें कलर फिल करना चाहते हैं वो कलर सेलेक्ट कर ले और इसमें फिल कर ले इस तरह से। फिर सेलेक्ट करें और वापस इसे लाकर यहीं पे एडजस्ट कर दें इसे कुछ इस तरह से। अगर आपको इसका भी कलर चेंज करना है तो आप डायरेक्टली फिल विद कलर लेकर यहां से इसका भी कलर जो है डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरह से। सो आप देख सकते हैं बड़े ही आसानी तरीके से आप किसी भी टेक्स्ट का ग्रेडियंट कलर बना सकते हैं। टॉपिक 3, एमएस पेंट में पेज का बैकग्राउंड ग्रेडियंट कलर में बनाना। पेज का बैकग्राउंड ग्रेडियंट कलर में बनाने के लिए सबसे पहले तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक लाइन,
दो लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ कर लिया है, वो सारी लाइनें तिरछी होनी चाहिए। आपको जितने भी कलर का ग्रेडियंट बनाना है आप उतने लाइन ड्रॉ कर ले, और फिर आप फील विद कलर से इसमें जो भी कलर फील करना चाहते हैं वो कलर फील कर ले। कुछ इस तरीके से मैंने ये कलर फील कर लिए हैं। और अब यहां से आपको स्टेप ध्यान रखने हैं। सबसे फर्स्ट आपको रीसाइज ऑप्शन में जाना है, पिक्सल्स पे क्लिक करना है और मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो को हटा देना है, और हॉरिजेंटल्स में सबसे मिनिमम साइज 1 आपको टाइप करना है और फिर आपको ओके कर देना है। आप देखेंगे सबसे मिनिमम साइज यानी 1 में आपका पेज का साइज चेंज हो गया है। फिर वापस आपको रिसाइज ऑप्शन में जाना है, वापस पिक्सल्स पे क्लिक करना है, मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो को हटा देना है, और यहां से आप हॉरिजेंटली पेज का जो भी साइज पिक्सल में रखना चाहते हैं वो साइज आप यहां पे टाइप कर ले। जैसे फिलहाल मैं 1000 जो है पिक्सल्स पे अपना पेज का साइज रखना चाहता हूं, तो मैंने यहां पे वो टाइप करके जैसे यहां से ओके करेंगे आपका ग्रेडियंट कलर बनके तैयार हो जाएगा। टॉपिक 4, एमएस पेंट में टेक्स्ट के ऊपर मास्किंग करना। अगर आप चाहते हैं कि एमएस पेंट में किसी टेक्स्ट कलर के जगह पे कोई इमेज इंसर्ट हो जाए, या यूं कहें कि आप टेक्स्ट और इमेज का मास्किंग कलर बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आप एक इमेज इंसर्ट कर लें, जो कि पेज फ्रॉम में जाकर मैंने एक इमेज इंसर्ट कर लिया, और इसे थोड़ा साइड में कर लें ताकि बाकी के हिस्से में हम अपने टेक्स्ट को टाइप कर लेंगे। टेक्स्ट टाइप कर लेने के बाद सबसे पहले कलर 2 में ब्लैक कलर कर देंगे, और सेलेक्ट ऑप्शन में जाकर ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन को ऑन कर लेंगे। फिर रेक्टेंगुलर सिलेक्शन को लेकर अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे, फिर माउस को दबाकर टेक्स्ट को इमेज के ऊपर ले आएंगे। अब बचे हुए बाकी हिस्से को डिलीट करने के लिए सबसे पहले कलर 2 में वाइट कलर फिल कर देंगे, और फिर सेलेक्ट ऑप्शन में जाकर इनवर्ट सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे और कीबोर्ड में से डिलीट बटन प्रेस करेंगे। फिर आपके सामने सिर्फ टेक्स्ट बच जाएगा, और फिर आप इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं, और इस तरह से आप किसी भी टेक्स्ट के ऊपर किसी इमेज का मास्किंग कर सकते हैं। टॉपिक 5, एमएस पेंट में इरेजर का इस्तेमाल करके टेक्स्ट को ग्रेडियंट कलर करना। वैसे तो एमएस पेंट में इरेजर्स का इस्तेमाल ड्राइंग को मिटाने के लिए किया जाता है, बट आज हम इरेजर्स टूल की सहायता से टेक्स्ट कलर को ग्रेडियंट कलर में बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। वेरी फर्स्ट हम एक टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं, और फिर कलर 2 में जिस भी कलर का इरेजर्स इस्तेमाल करने हैं वो कलर्स हम यहां पे चेंज कर लेंगे। जैसे कि मैंने यहां पे अभी ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लिया है। देन आपको इरेजर्स टूल सेलेक्ट करना है। इरेजर्स टूल सेलेक्ट करने के बाद माउस का राइट क्लिक दबाकर आप अपने टेक्स्ट के ऊपर इसे इरेज करेंगे, तो आप देखेंगे कि सिर्फ आपके टेक्स्ट का कलर जो है वो चेंज हो रहा है।
देन इसी तरह से अगर आपको कोई दूसरा कलर चाहिए तो कलर टू में आप सेकेंड कोई दूसरा कलर चेंज कर लीजिए और फिर आप माउस का राइट बटन दबाकर आप अपने ड्राइंग्स को, अपने टेक्स्ट को इस तरीके से कलर्स चेंज कर सकते हैं। फिर से अगर आपको लगता है कि मुझे कोई दूसरा कलर चाहिए तो अगेन आप फिर से कलर टू में जाकर कोई भी दूसरा कलर्स यहां से ले सकते हैं और अपने ड्राइंग्स में सेम माउस राइट को दबाकर आप अपने ड्राइंग में कलर फील कर सकते हैं कुछ इस तरह से। तो आप देख सकते हैं आपके सामने एक इरेजर्स का इस्तेमाल करके हम लोगों ने ग्रेडियंट कलर्स यूज किया है, ग्रेडियंट कलर बनाया है। टॉपिक 6, एमएस पेंट में लाइन का इस्तेमाल करके टेक्स्ट का ग्रेडियंट कलर बनाना। एमएस पेंट में लाइन का इस्तेमाल करके टेक्स्ट का ग्रेडियंट कलर अगर बनाना हो तो सबसे पहले हम टेक्स्ट टाइप कर लेंगे और फिर शेप ऑप्शन में से लाइन टूल को सेलेक्ट करेंगे और फिर कलर वन में उसका कलर वाइट कर देंगे। देन जिस भी शेप में आपको लाइन ड्रॉ करनी हो उस शेप में आप अपने लाइन को ड्रॉ कर लें जस्ट इस तरह से और फिर फिल विद कलर को लेकर कलर वन में जिस भी कलर में आपको इन कलरों को चेंज करना है उन कलर को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैंने कलर वन में अभी ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लिया है और फिर इस तरह से इनमें कलर हम फील कर लेंगे ये कुछ इस तरह से। फिर कलर थ्री यानी इस नीचे वाले कलर्स में मैंने इस तरह का कलर चेंज कर लिया। तो आप देख सकते हैं लाइन का इस्तेमाल करके आप इस तरह से कोई भी ग्रेडियंट कलर बना सकते हैं, बल्कि लाइन ही नहीं आप किसी भी शेप को लेकर अगर इस तरीके का ग्रेडियंट कलर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले कलर वन में वाइट कलर रख लें और जिस भी शेप में बनाना, जैसे कि मैंने यहाँ से एक कर्व ऑप्शन का यूज किया है और इसे मैं इस तरह से मोड़ लेता हूँ और फिर इसमें अब मुझे कलर फील करना है तो मैंने फील विद कलर लिया और यहाँ से जिस भी कलर में मुझे फील करना है मैंने वो कलर सेलेक्ट करके यहाँ से इसका कलर चेंज कर दिया। देन सेकंड कलर मैंने ब्लू रखना है तो मैंने नीचे वाले कलर्स को ब्लू कर दिया इस तरह से। तो इस तरह का आप डिज़ाइन जो है अपने टेक्स्ट के ऊपर डाल सकते हैं किसी भी शेप को लेकर। तो ये थे एमएस पेंट के कुछ अनोखे टॉपिक्स। इसमें से आपको कौन सा टॉपिक अच्छा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। सो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक को लेकर, जब तक के लिए थैंक यू सो मच।